देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। किडनैप करके ले गए, 5-6 दिन तक उसको रखे, फिर लाके 29 दिन लाश मिली है। लोगों ने तहरीर दिया है सोरतगढ़ को, मुकामी थाना सोरतगढ़ को दिया है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई कतई नहीं दिखाई। और लड़का बाद में ये पता चला कि 5-6 दिन अपहरण करके उसे रखा गया था। यशो की पूरी जानकारी है, अगर वो चाहते तो हमारा बच्चा मिल जाता। जिस लड़के को 22 तारीख को उठाया गया, 27 तारीख को उसकी मौत की बात होती है, अगर यह सोरतगढ़ की पुलिस चाहती और पुलिस विभाग चाहता तो उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में मनीष शुक्ला हत्याकांड का खुलासा करने में अभी तक पुलिस नाकाम दिख रही है। 15 दिन पहले मनीष का अपहरण, फिर उसके हत्या की गुत्थी सुलझाने में नाकाम रही पुलिस पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से मातम में डूबा सिद्धार्थनगर जिले गौरा गाँव का यह परिवार पुलिस पर आस लगाए बैठा है। उन्हें उम्मीद है कि पुलिस उनके लाडले मनीष के हत्यारों तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन पुलिस की कार्यशैली और सुस्त रफ्तारी से उनकी उम्मीदें दम तोड़ती दिख रही हैं। परिवार का आरोप है कि जब 21 जनवरी को मनीष गायब हुआ, उस वक्त से लेकर 29 जनवरी को शव मिलने तक पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। अगर सोरतगढ़ थाने की पुलिस मनीष के गायब होते ही सक्रिय हुई होती और संदिग्धों पर सख्ती कर पता लगाने की कोशिश की होती तो उनका बेटा जिंदा होता। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शव मिलने के बाद भी पुलिस की पकड़ से हत्यारे कोसों दूर हैं। हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इसी से पुलिस की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। रोते बिलखते परिजन पुलिस के अधिकारियों से न्याय की मांग कर रहे हैं। बच्चा 21 तारीख को शाम से लापता था, कहीं किडनैप करके ले गए, 5-6 दिन तक उसको रखे, फिर लाके 29 दिन लाश मिली है वही बाणगंगा में, जो बाणगंगा पहले स्टार्टिंग में यहाँ खोल के सफाया गया, देखा गया, बाड़ी कहीं नहीं मिली, फिर कैसे 9 दिन बाद बाड़ी मिली। इसमें सोरतगढ़ यशो की पूरी जानकारी है, अगर वो चाहते तो हमारा बच्चा मिल जाता, लेकिन वो कार्रवाई नहीं किए। वैसे सामूहिक तौर पर सबसे बयान लिए, तो बयान में अब सामूहिक तौर पर तहरीर आपने थाने में कब दी? 22 तारीख को सुबह में। फिर पुलिस की सक्रियता क्या रही आपके? वैसे घोर लापरवाही, बस खाली खाना पूर्ति बस वैसे करते रहे। सोरतगढ़ यशो महोदय कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, उसमें उनकी जानकारी है सोरतगढ़ यशो महोदय की। अब आगे आप लोग क्या चाहते हो? आगे हमें न्याय चाहिए, जो उसमें दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। मनीष शुक्ला हमारे भांजा है। 21 तारीख को सायंकाल लापता हुए, जिसकी सूचना हम लोगों को प्रातः मिली और पता किया गया तो वहां जैकेट और जूता बाणगंगा बैराज पे मिला,
और तब से प्रातः काल दूसरे दिन ही 22 को हम लोगों ने तहरीर दिया SO सोहरतगढ़ को, मुकामी थाना सोहरतगढ़ को दिया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई कतई नहीं दिखाई। और लड़का बाद में ये पता चला कि 5-6 दिन अपहरण करके उसे रखा गया था। और इसके बाद में 29 तारीख सायंकाल को लाश मिली जब बच्चे की, तो डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार भी 72 से 80 घंटे की लाश है। इसके मतलब कि 6-7 दिन लड़के को कहीं ना कहीं अपहरण करके कैद करके रखा गया था, और उसके लाश को देखने के बाद घोर प्रताड़ना देकर उसे मौत के घाट उतारा गया, जो एक निश्चित सत्य है। और पुलिस सोहरतगढ़ की पुलिस तहरीर पाने के बाद भी जो संदिग्ध थे उन संदिग्धों से बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार कर रही थी। कहीं ना कहीं ये प्रतीत तो होता है कि SO सोहरतगढ़ का उसमें संलिप्तता है। अगर वो प्रयास, चूंकि वो SO महोदय कह रहे थे कि तीन लड़का जीवित है, दो तीन दिन में वापस आ जाएगा, और आकर के SO ढेबरुआ को, SO चिलिया को दिया, CO डुमरियागंज को दिया, जिससे सक्रियता से कार्य तो शुरू हुआ लेकिन लड़का मृत हो गया। 15 दिन बीत जाने के बाद मनीष हत्याकांड का खुलासा न होना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। पुलिस के अधिकारी अपनी इस विफलता को लाख छिपाने का प्रयास करें, लेकिन जिले में उनकी कार्यशैली को लेकर कानाफूसी भी शुरू हो गई है। पुलिस की निष्क्रियता से नाराज कई जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और स्थानीय पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द खुलासे की मांग की। इस हत्याकांड में जिले के पुलिस कप्तान पुलिस का बचाव करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने परिजनों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस तत्परता से कार्य कर रही है। मनीष शुक्ला के बारे में मुझे ये कहना है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत समझिए संवेदनहीन है। इनके पास कोई संवेदना ही नहीं है। जिस लड़के को 22 तारीख को उठाया गया, 27 तारीख को उसकी मौत की बात होती है। अगर यह सोहरतगढ़ की पुलिस चाहती और पुलिस विभाग चाहता तो उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता था। ये पहले टरकाते रहे और इसके बारे में पुलिस का ये निकम्मापन जो है हम सब लोगों के लिए कष्ट पैदा कर रहा है। और जो छात्र नौजवान हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इन्हें भी आगे आकर के अपने भाई के लिए संघर्ष करना चाहिए कि उसकी जान क्यों नहीं बचाई। और सबसे बड़ी बात है, जो सोहरतगढ़ का पुलिस स्टेशन अफसर है उसके खिलाफ अब तक SP ने क्यों नहीं कार्रवाई की, क्या कारण है? जबकि उनकी इतनी लापरवाही मिली तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई ना करने का मतलब है कि पुलिस की साजिश भी इसमें रही है। अब 21 तारीख को मनीष शुक्ला गायब हुए थे। 364 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। कई टीमें लगाई गई थी छानबीन के लिए। जो सस्पेक्ट थे उनसे पूछताछ की गई थी। जो मोटिव बताया गया उस पर छानबीन की गई। जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसा घर करना चाहिए था, वो लोग कई बार गए थाने पे और उन लोगों ने सस्पेक्ट के बारे में बताया भी कि ये वजह हो सकती है। उस तरह से पुलिस ने हरकत नहीं की। घर वालों का आरोप है कि शायद अगर पुलिस हरकत में आई होती तो हमारा बेटा जिंदा होता। नहीं, ये तो आपने दोनों विरोधाभासी बातें कहा। जो सस्पेक्ट बताए गए थे उनसे 100% पूछताछ की गई। जो नहीं बताया था हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में आया उनसे भी पूछताछ की गई। और उनके रिश्तेदार खुद ही पुलिस में हैं और उन्होंने भी बातचीत किया था। अब कौन सी टैक्टिस है, जितनी पुलिस में सिखलाई की टैक्टिस है सब अप्लाई किया गया था और अप्लाई किया जा रहा है। अपहरण फिर हत्या और अभी तक हत्या का खुलासा न होना सिद्धार्थनगर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है। 15 दिन के बाद भी अगर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं तो आम लोग अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।